जी हाँ दोस्तों, इस दिन से AKTU कॉलेज बंद हो जाएंगे, यानी AKTU की ऑफलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी क्योंकि समर ओकेशन की छुट्टी होगी। तो कई सारे छात्र पूछ रहे थे कि क्या सर समर ओकेशन की छुट्टी होगी कि नहीं, तो कितने दिन तक बंद रहेंगे AKTU क्लासेस और गर्मी की छुट्टी होगी या नहीं होगी, होगी तो कितने दिन की होगी। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी ऑफिशियल अपडेट। देखा जी AKTU का एकेडमिक कैलेंडर है, ठीक है, ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से जो मेन है मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है समर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप और विंटर वेकेशन, इस सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है कि अगर बात करें समर ट्रेनिंग इंटर्नशिप की तो यहाँ पे देखिए डेट मेंशन है। यहाँ पे आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं नीचे वाला, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें समर ट्रेनिंग की तो समर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये गर्मियों के मौसम में छुट्टी के दिन में ही होती है। तो समर ट्रेनिंग आपकी जो होगी 1 जुलाई से आपको करना है, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2022 तक। यानी आपकी जो इंटर्नशिप होगी, यानी जो आप लोग जो कोडिंग करते हैं या फिर जो ट्रेनिंग करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, चाहे आप बीटेक वाले हों या फिर और जो अदर ब्रांचेस हैं, सभी के लिए, ठीक है। जैसे आप कुछ कोई स्टूडेंट पाइथन जावा सीएसएस पाइथन वगैरह कुछ करते हैं, बाकी कुछ अदर अलग अलग जो है टेक्नोलॉजी करते हैं, AI करते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं, तो आप लोग 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें समर वैकेशन या फिर विंटर वैकेशन भी आप कह सकते हैं, जो भी बहरहाल समर वैकेशन, तो यहाँ पर 1 जुलाई 2022 से लेकर 14 अगस्त 2022 है। यानी अभी आपकी अप्रैल के बाद मई में पढ़ाई होगी, फिर जून में भी इसमें दिया है पढ़ाई होगी, लेकिन हो सकता है पहले ही छुट्टी हो जाए। लेकिन जो कैलेंडर है AKTU का वो दिया है कि 1 जुलाई 2022 से लेकर 14 अगस्त 2022 तक, यानी करीब आपको 1.5 मंथ, जिसे हम 44 डेज या फिर 45 डेज कह सकते हैं, 45 डेज आपकी छुट्टी होगी। तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर ज्वाइनिंग कर सकते हैं या फिर कहीं घूमने वगैरह का, घूमने टहलने का अगर आपका कोई टूर है उस हिसाब से अपनी टिकट वगैरह बुक करा सकते हैं। तो बहरहाल आपकी जो छुट्टी होगी, समर ट्रेनिंग इंटर्नशिप डेट है 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 जुलाई, और अगर समर वैकेशन यानी छुट्टी गर्मी की छुट्टी की बात करें तो फिर आपकी 1 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक आपकी छुट्टी रहेगी। 14 अगस्त के बाद फिर आपको कॉलेज आना पड़ेगा, फिर क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आपकी जो क्लासेस होगी कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, क्या है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस सेशन 2022 तेज, यानी जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा उसमें अगर सेमेस्टर की बात करें तो आपका चाहे थर्ड हो, फिफ्थ हो, सेवन्थ हो, नाइन्थ सेमेस्टर हो, उन सभी की क्लासेस 16 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अब ये सारे जो है कन्फर्म हो गए, क्लियर हो गए होंगे उसको। लेकिन कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कई सारे छात्र कुछ कमेंट थे, कुछ डाउट्स थे, तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कल, तो उसमें कई सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर AKTU का मैंने ये किया था समर वैकेशन को लेकर, जो स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे, अब उसके बाद कई सारे छात्रों के डाउट्स थे, कमेंट्स थे कि सर जो है AKTU का क्या होगा। जैसे कि आप बता सकते हैं, ये है नितिन, कह रहे हैं कि सर AKTU का समर वैकेशन कब स्टार्ट होगा। तो भाई आपको मैं बता चुका हूँ कि आपका 1.5 महीने का 1 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक आपका समर वैकेशन रहेगा, तो आई होप आपका क्लियर होगा। उसके अलावा एक स्टूडेंट और है ट्रिगर दादा, कॉलेज का बारे में बताया ही नहीं, तो सब कुछ वही है, अगर आप AKTU से हैं तो वही रहेगा, स्कूल कॉलेज का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लोग वीडियो। अब ये BC सिंह है भाई, पता नहीं कहाँ से किस दुनिया से आते हैं, किस गोला से आते हैं, कह रहे हैं फेक न्यूज़। भाई तुम फेक न्यूज़ बोल दिए हो, तुम्हारे पास कोई ऑथेंटिकेशन है? फेक न्यूज़ तुमने कैसे बोल दिया? उसके अलावा एक स्टूडेंट और हैं, व्हाट अबाउट AKTU, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। उसके अलावा ये आदित्य हैं, कह रहे हैं पर पेपर तो 25 मई से है AKTU का। हाँ तो AKTU का समर वैकेशन 1 जुलाई से होगा, इसलिए पेपर आपका मई में ही होगा, मई जून में होगा। तो आई होप अब एक स्टूडेंट और है, इनका भी रिप्लाई दो। संजीव कुमार कह रहे हैं कि सर AKTU से अफिलेटेड कॉलेज भी बंद रहेंगे क्या? जी हाँ, सभी कॉलेज AKTU से अफिलेटेड समर वैकेशन की छुट्टी रहेगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई डाउट मुझसे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट। और आपको कई सारे छात्रों का डाउट है, कह रहे हैं कि सर हमारी स्टेज होंगी कापी अभी तक नहीं, तो देखिए कापी यार आने की अभी जो डेट है 10 मई है, ठीक है। तो अभी कापी 9 मई 8 मई 7 मई 6 मई कभी भी आ सकती है, आप लोग बराबर चेक करते रहिए, कोई डाउट मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं कापी नहीं आएगी, भले अभी तक आपकी नहीं, तो कॉपी आपकी आ जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपनी प्रिपरेशन एग्जाम की जारी रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है, और अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड हो तो हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए। मैं आपको टॉपिक वाइज अब बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा, और आपको मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताऊंगा दो चार जो है पॉइंट में, तो आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं कौन सी टॉपिक ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है, तो स्टार्ट करने में। तो आई होप वीडियो समझ गए होंगे, और कोई डाउट मुझसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टॉप रखें।